राधे और गधे की अकल से समझो। एक कमरा है, उसमें अंधेरा है, हमने बाहर से दीपक जला करके कमरे में रख दिया तो दीपक स्वयं प्रकाश है और उसने कमरे में भी प्रकाश कर दिया। दीपक को हमने दूसरे कमरे में ले जाके रख दिया तो कमरे में अंधेरा हो गया। ऐसे ही ये जीव है, बाहर से इस शरीर में मां के पेट में आया और फिर चला गया। तो क्यों जी, जो चला गया यानी मर गया, शरीर छोड़ गया, यूं कहो, वो मैं है। अब तो समझ में आ गया। नहीं, वो भी मैं नहीं है। क्यों? इसलिए जब ये जाता है जीव बाहर तो अकेले नहीं जाता। सयदा अस्मात् शरीरात् दुत्क्रामति सहाय भाई तई सर्वई रुक्रामति, कौषितकी उपनिषद 3-4। अपने साथ इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर लेके जाता है। शरीर, इंद्रिय आपका दिमाग तो नॉर्मल है, अरे हम तो देख रहे हैं शरीर यही पड़ा है, इंद्रियां भी सब यही पड़ी है। एक सूक्ष्म शरीर होता है, 3 शरीर होते हैं हम लोगों के, इसका नाम स्थूल शरीर। एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर पहले मिल जाता है जीव को, उसमें इंद्रियां भी होती हैं, मन भी होता है, बुद्धि भी होती है। कुछ जम नहीं रहा है आप जो बोल रहे हैं। अच्छा, मैं अभी जमाता हूं। आप लोग सोते हैं, हाँ, तो आप लोग सपना देखते हैं, हाँ, तो जब आप सपना देखते हैं तो आपका शरीर और इंद्रियां सब पलंग पर रहते हैं ना, हाँ, लेकिन आप पलंग से उठ के जाते हैं इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, आसमान में, पाताल में, हाँ, जाते हैं। कैसे जाते हैं? देखते भी हैं आप सपने में, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पर देख रहे हैं। सुनते भी हैं, हाँ हाँ, रसगुल्ला भी खाते होंगे कभी कभी, हाँ हाँ, और कभी मार भी खाते होंगे, अरे बड़ी मार खाते हैं, और कभी कभी मर भी जाते हैं सपने में। आज ही सब कुछ। तो वो इंद्रियां कहां से लाया, वो मन कहां गया, कहां कहां पहुंचा। शरीर आपका यहीं पर है, आप मरे नहीं हैं, सांस चल रहा है, जरा सा किसी ने हिला दिया है क्यों जगह है। तो इसलिए जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि साथ जाते हैं। इसलिए केवल मैं वो नहीं है। फिर कौन है वो? महाप्रलय जब होता है तो महाप्रलय में सूक्ष्म शरीर भी नहीं जाता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर प्रकृति का सामान है, माया का है। ये मन, इंद्रियां सब माया के बने हैं। तो भगवान के राज्य में माया नहीं जा सकती। माया का साम्राज्य ब्रह्मांड के अंतर्गत है। भगवान के लोक में माया नहीं जा सकती। न तत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिता। भागवत 2:9-10। न यत्र सत्वम न रजस् तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। भागवत 2:17। अरे माया बिचारी वहां कहा जाएगी, सामने नहीं खड़ी हो सकती। बिलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया। भागवत 2:5-13। माया परैत्यभिमुखे च बिलज्जमाना। भागवत 2:7-47। मायाम्बुदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। 1:7-23। वो कारणारणों में, भगवान के महोदर में केवल जीव अपने संस्कारों को लेकर जाता है, रहता है, पेंडिंग में पड़ा रहता है। महाप्रलय में वहां सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि कोई नहीं जाते। तो वो जो कारण अरणों में, भगवान के महोदर में जीव गया महाप्रलय में, वो है मैं। बाकी जो उसके नीचे वाले सूक्ष्म शरीर से युक्त इंद्रिय, मन, बुद्धि, अथवा स्थूल शरीर से युक्त इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब मैं नहीं। ये मैं से युक्त है। केवल मैं नहीं है। तो मैं नाम का तत्व क्या है? एक तो मोटी अकल के अनुसार समझ लो, जो मेरा न हो वो मैं, मेरा। ये मेरा मकान है, दिखा पड़ी है। अच्छा अच्छा, तुम मकान तो नहीं हो? हे, मैं कैसे मकान हूं? ये मेरा शरीर है। अच्छा अच्छा, तुम शरीर नहीं हो? नहीं, अब मेरा है तो फिर मैं कैसे हो जाऊंगा? मेरा मन नहीं लगता। मन तुम्हारा है, तुम मन नहीं हो सकते। मेरी बुद्धि काम नहीं करती। ये जहां जहां तुम मेरा लगा रहे हो वो मैं नहीं हो सकता, क्योंकि वो संबंध कारक है, वो मैं का है। मैं का को मेरा कहते हो। मैं का ये मैं से भिन्न वस्तु है। तो जहां तक तुम मेरा मेरा बोलते हो वहां तक तुम मैं नहीं हो। जब सब मेरा खत्म हो जाए वो तुम हो मैं। लेकिन क्या हो ये जानोगे किससे? जानने का जो मैटर है वो सब मैं के नीचे है, यानी माइक है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, यही तो है तुम्हारे पास जानने का। देखा, सोचा, डिसीजन लिया, ये पुरुष है, स्त्री है। दिन भर हम लोग डिसीजन लेते हैं, तो देखा, सुना, सूंघा, रस लिया, स्पर्श किया और फिर सोचा। खाली इंद्रियों से काम नहीं बनेगा, मन आएगा, सोचेगा, फिर बुद्धि आएगी, जजमेंट देगी। अच्छा है। तो ये जितने हैं ये तो माइक जगत को भी नहीं जान पाए। आत्मा तो दिव्य है, उसको कोई देख नहीं पाया आज तक। बड़े बड़े वैज्ञानिक दावा करने वाले बड़ी बड़ी दूरबीन बनाने वाले और सूर्य लोग देख रहे हैं, हम मंगल देख रहे हैं, खोपड़ा देख रहे हैं। अरे मैं को देखा कभी? सब बैठे हैं और मैं चला गया। किधर से गया जी? गया। डॉक्टर ने कहा गया। इतना सूक्ष्म है मैं कि किसी यंत्र से कोई नहीं देख सका, न देख सकेगा, तो जानेगा कैसे? उसका परीक्षण कैसे होगा? अरे ये जो बहुत सूक्ष्म कीटाणु होते हैं उनका भी शरीर होता है, लेकिन आप नहीं देखते। रोज दही खाते हैं, उसमें कीड़े चलते रहते हैं। कीड़े? हाँ, खुर्दबीन से देखिए बच्चों, कीड़े कीड़े है वो। हो सकता है घृणा हो जाए आपको दही खाने से। हम कीड़ा खाते हैं रोज। बहुत से ऐसे जीव हैं, उनका इतना सूक्ष्म शरीर है जिन आंखों से आप नहीं देख सकते, लेकिन आत्मा को उसके लिए दुनिया में न कोई खुर्दबीन बनी है न बनेगी। न तो दुनिया में कोई बुद्धिमान पैदा हुआ था न होगा जो मैं को जान ले। बुद्धि से, आइडिया से। आइडिया, ओ धुआं निकल रहा है, वह आग है, आइडिया कहते हैं इसको। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि। लेकिन यहां आइडिया काम नहीं देगा, न प्रत्यक्ष न अनुमान। तो तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण से जाना जाएगा मैं कौन हूं, मेरा कौन है। शब्द प्रमाण किसे कहते हैं? शब्द प्रमाण माने ऐसा प्रमाण जिसके शब्द पर कोई डाउट न हो। तो ऐसे दो होते हैं, एक तो जो मैं को जान चुका है, ऐसा हमारा भाई जिसको हम संत महात्मा महापुरुष कहते हैं, और एक सुप्रीम पावर भगवान। ये दो पर्सनैलिटी ऐसी है जो मैं को जानती है। उनसे पूछना चाहिए, लेकिन हमारे किसी भाई ने जाना है, हम ये कैसे जाने? हाँ, ये भी डाउट है। और ये इतना पाखंड है हमारे संसार में, ये बड़े बड़े धोखे में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े धोखे में पड़ गए हैं, पड़ जाएंगे, पड़ते हैं। तो फिर हम उनका विश्वास कैसे करें कि ये मैं को जानता है? इसलिए हम उनसे भी दूर रहें। फिर कौन बताएगा मैं कौन? शब्द प्रमाण दो प्रकार का होता है, एक नित्य अनादि और एक साधि। साधि होता है महापुरुषों का, एक दिन वेदांत बना, एक दिन सांख्य बना, एक दिन मीमांसा बना, एक दिन भागवत बनी, एक दिन रामायण बनी। लेकिन वेद नित्य है, अनादि है। अनादि निधना वेदा, भगवान ने भी नहीं बनाया। कहा जाता है भगवान का शब्द है, क्यों? भगवान के मुख से निकला है, इसलिए हम कह देते हैं भगवान का शब्द है। और भगवान में अज्ञान जा नहीं सकता। मैंने कहा ना, माया सामने नहीं जा सकती, और अज्ञान जो है वो माया का विकार है। तो भगवान की वाणी है, यह भी कहा जाता है, लेकिन फैक्ट क्या है? जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, भगवान सो रहे थे गहरी नींद में और वेद प्रकट हो गए, मुख से निकल गए, श्वास से, नाभि से ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा के सामने वेद प्रकट हो गए, हमको पढ़ो समझो। और सृष्टि करो, ताम नाध्य गच्छत, हजारों वर्ष समाधि लगाकर बड़ा प्रयत्न किया, न वेद समझ सका, न सृष्टि कर सका। ताम नाध्य गच्छत, 295 भागवत। तो भगवान ने कृपा की और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हृदय में भगवान बैठ करके ब्रह्मा के उसको ज्ञान कराया वेद का। ऐसी वाणी है वेद वाणी, अनादि नित्य, पुन दोष शंका कलंक से सर्वथा असंस्पृष्ट। आदमी में, मनुष्यों में जो 4 दोष होते हैं वो वेद में नहीं है। तो वेद के द्वारा निश्चय होगा मैं कौन हूं, वहां कोई डाउट नहीं, शंका नहीं। वो विनिर्गत वाणी है। 3 प्रकार की वाणी होती है।